में आपके लिए शब्द रूपांतरण क्या होता है और शब्द रूपांतरण के आधार पर जैसे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव इस तरह के शब्द को कैसे पहचानते हैं और ये क्या होते हैं, इस तरह के वीडियो, इस तरह के बारे में जानकारी अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो इसी तरह से बनाया गया ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान जाएं कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज जैसे शब्द, विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इस तरह का पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले शब्द शब्द के भेद हमने बताया और आपके मन में प्रश्न होता होगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द जो है अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं, जो पहले वाला वीडियो में हमने दिया है अपलोड। लिंक सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है, सबका लिंक मैंने दे दिया है, सब देख लीजिएगा, तब ये देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है। शब्द के भेद दो तरीके के, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। सवाल है कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे पहचानते हैं, तो इस आधार पर बताया जाता है कि कौन सा शब्द अपने देश का है, कौन सा शब्द जो है विदेश का है, कौन सा शब्द यहाँ पे आप लिख लेंगे कौन सा शब्द विदेशी है और कौन सा शब्द संस्कृत से आया है, मतलब कौन सा शब्द विदेश से आया है, कौन सा शब्द संस्कृत से आया है, कौन सा शब्द अपने देश से आया है। इस आधार पर हम लोग जो है जो आकलन करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। आगे देखिए, अब आपके मन में प्रश्न होता होगा कि कैसे ये सब जानते हैं, तो इस आधार पर शब्दों के चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब आपके मन में सवाल होगा कि तत्सम किसे कहते हैं, है ना, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव, देशज और विदेशज किसे कहते हैं। तो तत्सम मैं बता रहा हूँ, तत्सम संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों कहते हैं लिखे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम। मैंने संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं हम लोग हिंदी में जैसे संस्कृत में लिखाता है वैसे जो है हिंदी में लिखा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम। जैसे अंक, संस्कृत में भी अंक लिखाएगा, हिंदी में भी अग्नि ऐसे ही लिखाता है संस्कृत में भी, कपूर जो है, कर्पूर जो है ऐसे ही लिखाएगा संस्कृत में भी और उसी तरह हिंदी में भी लिखाएगा, तो ये दोनों एक ही जैसे होने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसको तत्सम कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसके पहचानने का। सबसे सरल आइडिया है कि जो संस्कृत में लिखे जाते हैं वही जो है हिंदी में लिखना चाहिए, बदला हुआ तो वो अलग हो जाएगा, अब बदल जाएगा तो वो तद्भव हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत के बिगड़े हुए रूप में लिखे जाते हैं माने उसको हटा करके बदल कर लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव। क्या बोलते हैं? तद्भव। जैसे कर्पूर हो गया, इसको थोड़ा बदल दीजिए, चेंज करके लिख दीजिए, कपूर हो जाएगा। अग्नि, जिसको आग लिख सकते हैं, दधि, जिसको दही लिख सकते हैं। समझा गया? तो जब आप इस बात को ऐसे लिख रहे हैं, इस बात को ऐसे लिख रहे हैं, इस बात को ऐसे, तो ये वाला जो ये कपूर, आग, दही, ये जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। समझा गया? और आप ज्यों कहते हैं उतार देंगे तो वो तत्सम हो जाएगा। समझा गया? इससे बेहतर कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। वीडियो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आगे देखिए, देशज, जो शब्द देसी बोलचाल से आया हो माने अपने देश का हो उसको देशज कहते हैं। मन में प्रश्न होता है कॉमन, कुत्ता, चम्मच, नानी, बेसन, जो अपने देश में बोली जाती हो और अपने देश से ही वो निकला हो। अब नानी शब्द अंग्रेजों ने थोड़ी बनाया था, अपने देश का है, हमारे हिंदुस्तानी, तो इसको हम लोग देशज कहते हैं। विदेशज, जो शब्द जो है विदेश से आया हो उसको विदेशज कहते हैं। कहीं कैसे जानेंगे कि वो विदेश का है? देखिए, जैसे एक हाउस हो गया, हाउस माने घर, हम लोग घर है ना, घर बेसिकली हिंदी है तो हाउस हमारा देश का हो जाएगा, सॉरी घर हमारा देश का हो जाएगा, और उसको इंग्लिश में हाउस कहते हैं तो वो हाउस क्या हो जाएगा? विदेशज। जैसे टेबल हो गया, टेबल माने मेज होता है ना, और टेबल इंग्लिश शब्द है तो ये विदेशज। समझा गया? तो इस तरह से देशज और विदेशज मैंने पहचानने बताने की कोशिश किया है, उम्मीद है आप कुछ जरूर सीख गए होंगे। आगे देखिए, रूपांतरण के आधार पर हम लोग, अब मैंने ये उत्पत्ति के आधार पर सारा कहानी क्लियर कर दिया, अब रूपांतरण पर देखिए। रूपांतरण के आधार पर शब्द का रूप बदलना रूपांतरण कहलाता है। शब्दों को रूप बदल दीजिए, रूपांतरण कहलाएगा। कैसे? अब इस आधार पर इसके भेद दो तरीके, एक विकारी एक अविकारी, दो तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। कहिएगा विकारी किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप बदलता है उसको विकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी, मैंने रूप बदल जाता है उसको विकारी कहते हैं, है ना। अब कहिएगा किसका? तो संज्ञा, जितने भी नाम होते हैं संज्ञा, वो सब के सब विकारी में आते हैं।
जैसे सर्वनाम हो गया, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है वो सर्वनाम, उस वो ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है, माने उसका रूप बदलता रहता है, ठीक है ना। जैसे सीता के बदले आप वह लिख सकते हैं, है ना, राम के बदले वह लिख सकते हैं, जिससे आपके बदले में, जैसे हम लोग के बदले में आप भी लिख सकते हैं। तो जिसके रूप बदलते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भिखारी। जैसे सर्वनाम को बदल कर लिख सकते हैं, कोई नाम को बदले में कुछ दूसरा शब्द लिख सकते हैं, विशेषण लिख सकते हैं, क्रिया लिख सकते हैं, तो ये सब बदल कर लिखा जाता है, तो इसलिए इसको भिखारी कहता है। अभिकारी जिसको आप बदल कर नहीं लिख सकते हैं, जैसे जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें अभिकारी कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण को, विशेषण को बदल सकते हैं लेकिन क्रिया विशेषण को नहीं बदल सकते हैं। जैसे समुच्चय बोधक हो, संबंध बोधक हो, विस्मय आदि बोधक, तो इस सारे शब्दों को आप जो है बदल कर नहीं लिखेंगे। बदल कर लिखेंगे तो आप जो है बदल देंगे तो इतने से पहले ही बदलता नहीं है, आप बदल कर लिखेंगे तो दूसरे चला जाएगा। तो इस उम्मीद है कि आप भिखारी और अभिकारी में क्लियर हो गया, मतलब भिखारी का मतलब जो बदलता रहता है और अभिकारी का मतलब जो बदलता नहीं रहता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। किस वीडियो पर, टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक